नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन। आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल दो दिवसीय वार्षिक निरीक्षण करने बैतूल पहुंची होशंगाबाद रेंज की आईजी सुश्री दीपिका सूरी। बैतूल पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रक्षित केंद्र, हथियार कोत, पुलिस ड्रिल, वाहन शाखा एवं अन्य महत्वपूर्ण शाखा का किया निरीक्षण। बैतूल नर्मदापुरम रेंज की आईजी सुश्री दीपिका सूरी ने बैतूल पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद के साथ किया कोतवाली थाने का निरीक्षण। बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के दिए दिशा निर्देश। बैतूल कल कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई जन सुनवाई। बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस ने सुने 142 प्रकरण। समय सीमा में कार्रवाई किए जाने के दिए आदेश। बैतूल साई खंडारा के पास बरसों पुराने विशालकाय पेड़ के गिरने से दो गांव साईखेड़ा और जावरा के बीच संपर्क टूटा। साईखेड़ा से जावरा जाने वाले मार्ग के बीच गिरा पेड़। बैतूल रास्ता रोककर अश्लील कमेंट करने वाले आरोपी युवक अभिषेक नायक को शाहपुर से महिला थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कल उक्त आरोपी का कराया गया मेडिकल। बैतूल नागदेव मंदिर के पास मॉर्निंग वॉक के लिए निकले युवक पर बसूले से हमला। हमला करके आरोपी हुआ फरार। गंज थाना पुलिस ने मामला किया दर्ज। बैतूल कत्तलढाना में लोगों के साथ मारपीट करने पर उतारू होने वाले युवक रामदास के खिलाफ कल गंज थाना पुलिस ने की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। धारा 151 के तहत मामला किया गया दर्ज। मुल्ताई नगर के सावरिया लॉन में आयोजित किया गया राजपूत समाज का विशाल सम्मेलन। शामिल हुए सैकड़ों की संख्या में राजपूत समाज के सामाजिक बंधु। मुल्ताई नबा के बैनर पर लगी अध्यक्ष और पार्षदों की फोटो पर कालिक पोतने के मामले को लेकर कल राजपूत समाज ने मुल्ताई एसडीएम राजनंदिनी शर्मा को सौंपा ज्ञापन। मुल्ताई पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर आरोपी बुधन उर्फ राकेश बंगाली निवासी तिलकवाड़ को किया गिरफ्तार। धारा 501 और 151 के तहत की गई कार्यवाही। मुल्ताई नगर के केंद्रीय विद्यालय में 11th और 12th के लिए कमरों की व्यवस्था करने हेतु कल अभिभावकों ने मुल्ताई एसडीएम राजनंदिनी शर्मा को सौंपा ज्ञापन। मुल्ताई बीती रात डोल 11 के अवसर पर निकाले गए डोल। नगरवासियों एवं भक्तों ने की पूजा अर्चना। पारंपरिक रूप से मुल्ताई नगर में मनाई जाती है डोल 11। मुल्ताई विकासखंड मुल्ताई से 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनोरा में निकला धामन सांप। सांप को देखकर स्कूल स्टाफ में मची अफरा तफरी। सूचना के बाद पहुंचे सर्प मित्र श्रीकांत विश्वकर्मा। दोपहर करीब 3 बजे धामन सांप का किया सुरक्षित रेस्क्यू। आमला भारतीय किसान संघ ने आमला क्षेत्र में गणेश प्रतिमा विसर्जन घाट पर व्यवस्था बनाने को लेकर कल नगर पालिका सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। आमला अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेचते हुए एक आरोपी को आमला पुलिस ने किया गिरफ्तार। थानी बंजारी ढाल के प्राइमरी स्कूल के पीछे बेची जा रही थी अवैध कच्ची महुआ शराब। पुलिस ने मामला किया दर्ज। शाहपुर मोतीढाना में मवेशियों से भरे डंपर और
पिकअप के बीच हुई भिड़त, देर रात की घटना, डंपर छोड़ के चालक हुआ फरार, अवैध रूप से मवेशियों की जा रही थी तस्करी। घोड़ाडोंगरी पीपरी गांव में शराब पीकर शांति भंग कर रहे युवक राजू उइके पर पुलिस ने धारा 151 के अंतर्गत मामला किया दर्ज, तहसील न्यायालय में किया जाएगा पेश। शाहपुर नगर परिषद के अध्यक्ष के समर्थकों एवं पार्षदों ने कल शाहपुर तहसीलदार एंटोनिया इक्का को सौंपा ज्ञापन, कबाड़ी पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की करी मांग। भैंसदेही ग्रामीण महिला ने घर से एक मुर्गा और मुर्गी के चोरी के मामले को लेकर एसडीओपी को सौंपा आवेदन, दी जानकारी, बताया स्थानीय थाने ने नहीं की कोई कार्यवाही। भैंसदेही कियोस्क सेंटर मामले में भैंसदेही पुलिस को मिली आरोपी युवक की रिमांड, अब आरोपी से की जाएगी पूछताछ। चिचोली भाजी नदी पर पुलिया बनाए जाने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे के आमापुरा जोड़ पर ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है प्रदर्शन। ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी पुलिया बनाए जाने की मांग। आठनेर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित गणेश मंदिर में आयोजित किया गया भंडारा, 9 सितंबर को होगा हवन पूजन कार्यक्रम। तो ये थी बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें, मिलते नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।